नमस्कार सभी को, मैं मत्तु केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा चौथी विषय भाषा में पाठ क्रमांक 2 है, देखिए प्रार्थना कविता है, और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस कविता का वाचन करके बता रहा हूँ। तो आइए आप इस वीडियो के माध्यम से प्रार्थना कविता का वाचन हम सुनते हैं और देखते हैं। सब सुखी हो सब निरोगी, दुख मिटे संसार से, सब भला देखे यही है प्रार्थना हर द्वार से। इसे एक बार फिर से सुनिए। सब सुखी हो सब निरोगी, दुख मिटे संसार से, सब भला देखें यही है प्रार्थना हर द्वार से। दूसरों का कष्ट हमको हर समय अपना लगे, हर दुखी को दे सहारा भावना ऐसी जगे। धर्म सेवा हो हमारा, सुख मिले उपकार से, सब भला देखे यही है प्रार्थना हर द्वार से। सब सुखी हो सब निरोगी, दुख मिटे संसार से, सब भला देखे यही है प्रार्थना हर द्वार से। आगे देखते हैं। काम आए हम किसी के, रोज यह अवसर मिले, बुराई से बचते रहें हम, स्नेह जीवन भर मिले। एक भी चेहरा न भीगे आंसुओं की धार से, सब भला देखे यही है प्रार्थना हर द्वार से। सब सुखी हो सब निरोगी, दुख मिटे संसार से, सब भला देखे यही है प्रार्थना हर द्वार से। तो इस कविता से कविता के माध्यम से कवि का कहना है कि इस दुनिया में रहने वाले लोग सब सुखी हों और सब निरोगी हों, और इस संसार से, इस दुनिया से दुख क्या है मिट जाएं। तो हमें यही देखना है कि सब भला देखे यही है प्रार्थना हर द्वार से, और हमें यही प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, इस दुनिया, इस संसार से सबका कष्ट क्या हो जाए, दूर हो जाए। तो कवि का कहना है कि सब सुखी हो सब निरोगी, दुख मिटे संसार से, सब भला देखें यही है प्रार्थना हर द्वार से। हर घर के दरवाजे से यही प्रार्थना है कि सब क्या हो, सुखी हो, सब निरोगी हो, और सारे संसार से सबका दुख कष्ट क्या हो, दूर हो जाए। तो फिर से एक बार देखिए। सब सुखी हो सब निरोगी, दुख मिटे संसार से, सब भला देखें यही है प्रार्थना हर द्वार से। आगे देखिए कवि क्या कह रहे हैं। आगे कवि का कहना है, दूसरों का कष्ट हमको हर समय अपना लगे, हर दुखी को दे सहारा भावना ऐसी जगे। धर्म सेवा हो हमारा, सुख मिले उपकार से,
सब भला देखे यही है प्रार्थना हर द्वार से। कवि यहाँ कह रहे हैं कि दूसरों का कष्ट हमको हर समय अपना लगे, अर्थात दूसरे के कष्ट को भी हमें अपना समझना चाहिए। हर दुखी को देशहारा भावना, ऐसी जगह कवि का कहना है कि हर दुखी को सहारा देना, ये हमारे भावना में हमेशा रहना चाहिए। और हमारा धर्म क्या होना चाहिए, कवि कह रहा है, कह रहे हैं कि धर्म सेवा हो हमारा, सुख मिले उपकार से। हमारा धर्म जो है सेवा होना चाहिए, ताकि हमें दूसरों का उपकार करने से क्या मिले, सुख मिले। तो कवि कहते हैं कि धर्म सेवा हो हमारा, सुख मिले उपकार से, सब भला देखे यही है प्रार्थना हर द्वार से। तो आगे देखिए और कवि का क्या कहना है इस कविता के माध्यम से। कवि कह रहे हैं कि काम आए हम किसी के, रोज यह अवसर मिले, बुराई से बचते रहे हम, स्नेह जीवन भर मिले। एक भी चेहरा न भीगे आंसुओं की धार से, सब भला देखे यही है प्रार्थना हर द्वार से। कवि यहाँ कह रहे हैं कि काम आए हम किसी के, रोज यह अवसर मिले कि हमें रोज ऐसा अवसर मिले कि हम दूसरों के काम आए, यानी प्रतिदिन हम दूसरों का काम करें, हम उससे वंचित ना रहें, बुराई से बचते रहें हम, स्नेह जीवन भर मिले। और कवि का कहना है कि हम इस जग की प्रत्येक बुराई से बचते रहें और स्नेह जीवन भर मिले, और हमें दूसरों का स्नेह जीवन भर मिलता रहे। कवि का कहना है कि यदि हम दूसरों के काम आते हैं, दूसरों की बुराई नहीं करते हैं, बुराई से बचे हुए हैं, तो हमें दूसरों का स्नेह भी मिलता रहेगा। और कवि का कहना है एक भी चेहरा न भीगे आंसुओं की धार से। कवि का कहना है कि इस जग में, इस दुनिया में किसी को दुख ना मिले और किसी का भी चेहरा आंसुओं की धार से ना भीगे। तो कवि कहते हैं अंत में कि सब भला देखे यही है प्रार्थना हर द्वार से। हमें सब दूसरों के लिए यह प्रार्थना करनी चाहिए कि सब क्या हों, सुखी हों, निरोगी हों, और इस जग से, इस दुनिया से, संसार से दुख का क्या हो जाए, नाश हो जाए। तो कवि का कहना है कि सब सुखी हो, सब निरोगी, दुख मिटे संसार से, सब भला देखे यही है प्रार्थना हर द्वार से। तो आप इस वीडियो के माध्यम से इस कविता का वाचन करिए, लेखन करिए, श्रवण करिए, तथा दूसरों के कष्ट को भी अपना समझिए। कवि का कहना है कि सब क्या हो, सुखी हो, दूसरों का कष्ट हमें हर समय अपना लगे, और हमारा धर्म जो है सेवा होना चाहिए, और हमें जीवन में बुराई से बचते रहना चाहिए, और सभी को जीवन भर स्नेह मिलता रहे। तो इस कविता के माध्यम से हम यह प्रार्थना कर रहे हैं कि सब सुखी हो, सब निरोगी हो। तो इस वीडियो के माध्यम से आप भी यह प्रार्थना करिए कि इस दुनिया में, इस जग में सब सुखी हो, सब निरोगी हो, और दुख मिटे संसार से, सब भला देखे यही है प्रार्थना हर द्वार से। तो आप इस वीडियो के माध्यम से यह प्रार्थना करिए कि सब सुखी हो, सब निरोगी हो, और इस संसार से दुख का नाश हो। तो आप मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी का।